मैं हुसैन सुल्तान, रणभूमि न्यूज़ में आपका स्वागत करता हूँ। उमरा कौसा शहर में वैक्सीन को लेकर जागरूकता लाने और इस शहर में ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीन लगाने को लेकर जो मुहिम शुरू की गई थी वो कहीं ना कहीं कम नज़र आ रही है, जिसको लेकर आज उमरा प्रभाग समिति कार्यालय में थाना डिप्टी कमिश्नर मनीष जोशी, असिस्टेंट इंजीनियर धनंजय गोसावी, उमरा प्रभाग समिति के आयुक्त सागर सालुंखे, उमरा प्रभाग समिति की अध्यक्ष दीपाली भगत समेत तमाम कारपोरेटर्स की एक हंगामी मीटिंग ली गई और इसमें ये तय किया गया कि किस तरीके से शहर में को ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीनेट किया जाए। उस किस ताल्लुक से जब हमने डिप्टी कमिश्नर मनीष जोशी से बात की तो उन्होंने बताया कि संडे यानी रविवार को वैक्सीनेट ड्राइव किया जाएगा, जिसमें मनपा के 60 लोग मौजूद होंगे जो अलग अलग इलाकों में जाकर लोगों को वैक्सीनेट करेंगे। उन्होंने इस ताल्लुक से बताया कि यहाँ पे उमरा कौसा में जो वैक्सीन का रेशियो काफ़ी कम है, पहला डोज तकरीबन 1,00,000 लोगों ने लिया है, वहीं दूसरा डोज भी 1 से 1.5 लाख लोगों ने लिया है। इस मुहिम को ज़्यादा तेज़ी लाना है ताकि इस शहर को पूरी तरीके से वैक्सीनेट किया जा सके। इसके लिए हम अलग अलग लोगों से मुलाकात करेंगे, उलमाओं से मुलाकात करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वैक्सीन लगाने की अपील करेंगे। आइए इस मौके पर जानते हैं कि मनीष जोशी ने क्या कहा, वहीं पे कौसा हेल्थ डिपार्टमेंट की इंचार्ज हिमांगी घोड़े ने भी क्या कहा, आइए जानते हैं। आपको पता है कि पूरे वर्ल्ड में कोरोना का एक नया वेरियंट आ गया जो कि ओमिक्रॉन, तो ये जो वेरियंट है उसके लिए हम कैसे प्रिपेयर्ड हैं, उसके लिए हमको क्या क्या उपाय योजना करनी चाहिए, उस संदर्भ में आज हमारे जो मुमरा प्रभाग समिति का अध्यक्ष मैडम है उनसे हमने रिक्वेस्ट की थी कि आज की ये मीटिंग आप प्लीज़ कॉल कीजिए। हमारी अध्यक्ष मैडम ने आज की मीटिंग कॉल करी। आज की मीटिंग में हमारे मुमरा के सब सम्माननीय सदस्य उपस्थित थे। एट द सेम टाइम जो सोशली पॉलिटिकली एक्टिव लोग हैं जो प्रशासन को हर समय मदद करते हैं वो भी यहाँ उपस्थित थे। तो प्रशासन की तरफ से ऐसा बोला गया, ऐसी एक पॉलिसी रखी गई कि हमें अभी इमीडिएटली ये जो थर्ड वेव है या जो ओमिक्रॉन वायरस का जो संकट पूरे वर्ल्ड में मंडरा रहा है उसके खिलाफ़ हम क्या उपाय योजना कर सकते हैं वो हमने बताई। उसके तहत सबसे पहले जो आपको सबको पता है कि वैक्सीनेशन पूरा होना चाहिए, बिकॉज अगर आप 100% वैक्सीनेटेड होंगे तब आपको अगर कोरोना हो भी गया, फिर वो कोई भी वेरिएंट हो, अल्फ़ा हो, डेल्टा हो या ओमिक्रॉन हो, अगर आप वैक्सीनेटेड हो और खुदा ना खासा अगर आपको कोरोना हो जाता है तो आप सिर्फ एसिम्प्टोमेटिक रहते हैं। रिसर्च हैज़ प्रूव्ड कि अगर आपका वैक्सीनेशन हो रखा है तो किसी भी हाल में डेथ ये होना लिटरली नामुमकिन है। तो इसीलिए आपको पता होगा कि हमारे मुमरा प्रभाग समिति में बहुत सारे प्रयत्न लिए गए वैक्सीनेशन के लिए। हमारे मंत्री महोदय, अवार्ड साहब, हमारे सब सम्माननीय सदस्य, पत्रकारगण, हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट के लोग, इनके माध्यम से यहाँ जंबो वैक्सीनेशन कैंप का आयोजन किया गया था। इसके पहले 10,000 का एक टारगेट था रिकॉर्ड, लेकिन हमारे मुमरा ने 13,000 किया। लेकिन इसके बावजूद भी अगर आप देखेंगे तो अभी भी बहुत सारे लोग हैं, ऑलमोस्ट 1,00,000 पीपल जिनका कि फर्स्ट डोज भी हुआ नहीं है, और ये बहुत ही चिंता की बात है। लोगों को लग रहा है कोरोना चला गया, केसेस बहुत कम हो गए हैं, हाँ अभी हमें कुछ नहीं होगा, ऐसी मानसिकताएं लोगों के मन में डेवलप हो चुकी हैं जिसकी वजह से लोग वैक्सीनेशन ले नहीं रहे। इसीलिए आज प्रशासन की तरफ से एक ऐसा प्रोग्राम सर्व सम्माननीय सदस्य के सामने रखा गया कि संडे को प्रशासन की तरफ से 60 टीमें सिर्फ मुमरा प्रभाग समिति के लिए दी जाएंगी। हमारे सब सम्माननीय सदस्य जो कि 16 सदस्य हैं और जो एक्टिव लोग हैं ऐसे 4 पकड़ के, ऐसे हमारे 20, हर एक को हम 3-3 टीम देंगे और हमारे सम्माननीय सदस्य डिसाइड करेंगे कि उन्हें अपने वार्ड में ये 3 टीम का डिप्लॉयमेंट कहाँ करना है, कैसे करना है, ये हम उन पे छोड़ रहे हैं। हम आपको डॉक्टर्स देंगे, हम आपको नर्सें देंगे, हम आपको डेटा एंट्री ऑपरेटर देंगे, उसका इस्तेमाल कैसे करना है ये हमारे नगर सेवक डिसाइड करेंगे। और जो हर घर दस्तक, ये जो सरकार का जो प्रोग्राम है जिसके तहत फर्स्ट डोज वैक्सीनेशन 100% हमको करना है, उसके लिए हम जद्दोजहद अपनी करेंगे। एक चीज़ मैं पहले क्लियर कर देता हूँ, वैक्सीनेशन न लेना लेना ये किसी धर्म से जुड़ा हुआ नहीं है, मैं इस चीज़ में विश्वास नहीं रखता। फिर भी प्रशासन का ये कहना है और ये हमारा अनुभव है
कि समाज के जितने भी रिस्पेक्टेड लोग हैं, फिर वो हमारे इमाम जी हो, हमारे मंत्री महोदय जी हो, हमारे सम्माननीय नगर सेवक हों, इनकी हम मदद लेने वाले हैं। आज हमारे कई पत्रकारगण भी हमारे मित्र आए हुए थे, उन्होंने भी हमें बहुत अच्छे सजेशन दिए, और इसीलिए पहली बार हम ऐसा करने वाले हैं कि अगर हमें अभी अपना वैक्सीनेशन 100% करना है तो सबसे पहले हमारे मुमरा के जितने भी तमाम रिस्पेक्टेड हमारे मौलवी जी हैं, हमारे इमाम जी हैं, उन्हें हम रिक्वेस्ट करने वाले हैं कि आप लीड लीजिए वैक्सीनेशन का प्रोग्राम का। अगर कोई लीडर होगा तो वो उस एरिया के मस्जिद के सम्माननीय इमाम जी होंगे। तो सबसे पहले तो मैं उनसे विनंती करता हूँ कि आप वैक्सीनेशन करा दीजिए। अगर हमारे सम्माननीय इमाम जी का वैक्सीनेशन हो गया तब तो लोग उनका सुनते ही हैं, ऑटोमेटिकली वैक्सीनेशन हो जाएगा। तो इस प्रोग्राम में सबसे पहले हम सम्माननीय हमारे जो इमाम साहब हैं, सब इमाम साहब, हमारे जो नगर सेवक हैं, उन्होंने बोला हम अपने अपने इलाके की जो मस्जिदें हैं उनके जो सब इमाम हैं उन्हें हम विनंती करेंगे कि पहला वैक्सीनेशन आप लीजिए। एक बार उसके बाद आपने ऐलान कर दिया कि देखिए मेरा वैक्सीनेशन हो चुका है, तो सब लोग वैक्सीनेशन करें। एक्चुअली जब ये वैक्सीन लॉन्च हुआ तो 16 जनवरी 2021 में तब ये हमेशा बोला गया है कि वैक्सीन जो है सेफ है, हर किसी के लिए वो सेफ है। उसको डायबिटीज है, कैसे हम लोगों ने वैक्सीन रोल आउट किया, पहले सीनियर सिटीजन्स को किया, तो एज ग्रुप बहुत सीनियर, पहले हेल्थ सेक्टर और इमरजेंसी वर्क सर्विसेज में जो लोग थे उनके लिए, उसके बाद जो पॉपुलेशन के लिए खोला गया, करीब हाई रिस्क जो है जैसे सीनियर सिटीजन्स है, फिर डायबिटीज है, फिर जिसको कैंसर है या ब्लड प्रेशर है, इनके लिए पहले हमने देना चालू किया, क्योंकि ये वो लोग हाई रिस्क कैटेगरी में आते हैं और उनको कोरोना वायरस से इन्फेक्शन होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा रहते हैं, तो उनको उससे प्रोटेक्ट करने के लिए वैक्सीन की काफ़ी ज़रूरत है, इसलिए उनको पहले ही चालू किया। इसका मतलब ये है कि वैक्सीन पूरी तरह से सुरक्षित है, इसीलिए उनको पहले ही कंसिडर किया गया है, कोई दुष्परिणाम नहीं है। और अब तक अपने इलाके में कम से कम 50,000 से भी ज़्यादा लोग जो है ये एज ग्रुप के और जिनको डायबिटीज कोमॉर्बिड है, कोमॉर्बिड सिचुएशन है, ब्लड प्रेशर और कोई कैंसर की भी मरीज है, कि उनको कीमोथेरेपी रेडियोथेरेपी मिल चुका है, उनको तो वैक्सीन दे चुके हैं। और अच्छी बात ये है कि अब तक उनकी कोई भी कुछ तकलीफ है या साइड इफेक्ट्स अपने को पता नहीं है, आई नहीं अब तक, नहीं इसका मतलब ये काफ़ी सेफ है वैक्सीन। देखिए कैसा है कि जैसे एक रफ एस्टिमेट है कि मुमरा प्रभाग समिति में फर्स्ट डोज जो है वो ऑलमोस्ट 1,00,000 का शॉर्टेज है, तो इसके हिसाब से आप देख सकते हैं कि जो सेकेंड डोज है तो 2.25 लाख तक के लिए तो सेकेंड डोज का कवरेज बाकी है।